को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो चीज़ का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो है आपका टेराबाइट क्यूबिक्स E02B। ओके, ये 2.0 मल्टी स्पीकर है। ओके, तो ये सबसे कम दाम में आपको ये मिल जाएगा। ये मेरा पड़ा 200 रुपया में और डिलीवरी चार्ज 80 रुपया, तो टोटल हो गया 280 रुपया में मेरे को ये प्रोडक्ट मिल गया। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर और भी बहुत सारा मल्टीमीडिया के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। ओके, इसको मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा दोस्तों, इसके साथ में इसका अंदर क्या है ये भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलो चलिए आप वीडियो को मैं शुरू करता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरा चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एकदम फ्री है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टेराबाइट क्यूबिक्स E02B 2.0 मल्टीमीडिया स्पीकर है। ओके, जिसमें यूएसबी पावर पोर्टेबल यूएसबी लैपटॉप बेस्ट पार्टनर। ओके, तो ये जो है यूएसबी पावर से चलता है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है आपका ये यूएसबी पावर से चलता है और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांड लोगो है। ठीक है, टेराबाइट ऑलरेडी एक ब्रांड है तो इसका एक ब्रांड लोगो यहाँ पर यूज किया गया है। चलिए, तो इसमें जो फीचर्स है बहुत अच्छा फीचर्स है। ये आप कंप्यूटर लैपटॉप MP3 या MP4 के साथ और मोबाइल के साथ आप यूज कर सकते हैं USB आउटपुट के साथ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर दिखा दे रहे हैं एम्पलीफायर और आउटपुट पावर यहाँ पर दिखा दिया है आपका। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमको लगा कि आपका 5 वोल्ट पावर सप्लाई में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास अगर नॉर्मल सा जो एंड्रॉयड का फोन का जो चार्जर होता है उस चार्जर से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आपका जो साउंड क्वालिटी है वो मिनिमम रेंज के अंदर अगर आप बोलिएगा तो बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर का पैक खोलता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर ये प्रोडक्ट कैसा दिखने में है। ओके, तो मैं खाली है। ओके, इसमें और कुछ नहीं है तो इसको साइड कर देता हूं। तो ये हो गया आपका 2 स्पीकर। तो देखने में तो बहुत बढ़िया है, ये 2 स्पीकर देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। ये आपके साथ आ गया है एक ये आपका USB जैक इसके साथ आ गया है और एक ऑडियो जैक है। तो चलिए इसको मैं अपना लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। इसके बाद मैं इसका जो फीचर्स है मैं फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा और इसके अंदर में कैसा क्या है सब के बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब मैं इसको अपना लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसका साउंड क्वालिटी आप लोग को सुना देता हूँ। लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर चुका हूं, अब मैं एक सॉन्ग प्ले करके देखता हूं इसका साउंड क्वालिटी कैसा होता है। चलिए, तो अब मैं एक सॉन्ग को प्ले करता हूं। ओके, तो आप इसका साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। ओके, पीछे में इसका एक वॉल्यूम का बटन दिया गया है। ओके, इसमें आप कम कर सकते हैं वॉल्यूम को और इसमें आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। ओके, काफी अच्छा साउंड है, मिनिमम आपको लगभग 300 के अंदर तो इतना अच्छा चीज मिल जाता है। बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है, अच्छा कितना अच्छा साउंड क्वालिटी है। ओके, तो ये आपका 2.0 मल्टीमीडिया स्पीकर है। ओके, तो चलिए अब फटाफट से इसके अंदर का क्या है, पार्ट क्या है नहीं है वो मैं दिखाता हूँ खोल के। तो चलिए जल्दी से मैं इसके अंदर का जो चीज है वो खोल के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जो चीज करना पड़ेगा वो कुछ नहीं है, इसका ऊपर में एक देख सकते हैं आप कवर लगा हुआ है, इस कवर को आपको खोलना है लाइक दिस। देखिए मैं कैसे खोल रहा हूँ इसको, इसको हल्का सा ऊपर में टानना है, इसको खींचिए और ये खुल गया। ओके, खुलने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर 4 स्क्रू है। मैं इसको खोल के दिखाने वाला हूँ, एक्चुअल में इसमें इसको खोल के कोई फायदा नहीं है बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपका 2 तार गया है जो इस स्पीकर के साथ लगा हुआ है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ओके, तो इसको मैं खोलता हूँ। ओके, ये खुल गया और आप देख सक रहे हैं इसका यहाँ पर 4
ओके, चार स्क्रू है लगा हुआ यहां पर, ओके। तो इस चार स्क्रू को पहले खोलता हूं, खोलने के बाद देखता हूं इसके अंदर में क्या है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एकदम फ्री है, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा मेरा वीडियो का, ओके। तो चलिए, ये तो मैं चार स्क्रू इसका जो था ये खोल दिया हूँ, उसके बाद मैं इसको खोलता हूँ, ओके। तो ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके, इसके साथ ये जस्ट सपोर्ट रहता है, ओके। इसके बाद मैं इसके अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर एक है, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पीकर है, एक स्पीकर हो गया, अंदर में एक बोर्ड है, ओके। इस बोर्ड को मैं अच्छे से दिखाने के लिए खोलना पड़ेगा, तो चलिए इस बोर्ड को मैं खोल के दिखाता हूँ। तो ये खुल गया इधर, ओके, तो ये खुल गया, ओके। तो इसका अंदर जो चीज है यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो चीज है ये दो स्पीकर का आईसी है जो एम्पलीफाई करता है ऑडियो को और साउंड बढ़ाता है, इसमें साउंड क्वालिटी को अच्छा करता है। तो ये दो एम्पलीफाई है, एम्पलीफायर, ओके, ये एम्पलीफायर का दो आईसी है। उसके बाद आपका जो ये रेड एंड ब्लैक जो वायर लगा हुआ है ये एक्चुअली यूएसबी का है, ये जो आपका यूएसबी देख रहे हैं ये यूएसबी का तार है, ये रेड एंड ब्लैक जो आपको पावर इस बोर्ड में देता है, ओके। उसके बाद ये दो है तार है जो एकदम दूसरे वाला स्पीकर में जाता है, यानी कि ये वाला स्पीकर में जो इसका स्पीकर है, ये वाला स्पीकर में जाता है ये दो तार, ओके। उसके बाद है आपका और दो तार जो रेड एंड ब्लैक में है, ये दो तार इस स्पीकर के साथ कनेक्ट करा हुआ है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं इसका, यहां पर देख सकते हैं तीन तार लगा हुआ है, तीन वायर लगा हुआ है, ये नॉर्मली जो तीन वायर लगा रहता है ये आपका ऑडियो जैक का तार लगा रहता है तीन वायर। तो ये ऑडियो जैक का जो तार है, ओके सॉरी, ये जो आपका ऑडियो जैक है इसका ही ये तीन तार लगा हुआ है जो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है और ये पावर सप्लाई कर रहा है इस बोर्ड को। देन क्या होता है दोस्तों, इसमें जब पावर आता है और ये जो ऑडियो का जो जैक है इसको जब आपका जहां पर आप लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जहां पर आपका ऑडियो जैक लगाने का ऑप्शन वहां पर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक साउंड पावर सप्लाई करके एक साउंड प्ले होता है जो इस साउंड को प्ले करने में मदद करता है, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका एक कैपेसिटर है जो पावर सप्लाई, ये जो पावर सप्लाई हो रहा है इसको कैपेसिटर में क्या करता है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है कि ओवर पावर ना इधर सप्लाई हो, इसीलिए एक कैपेसिटर रखा गया है। उसके बाद एक वॉल्यूम कंट्रोल आपका नॉब है जो वॉल्यूम कंट्रोल का अप एंड डाउन करता है, इस प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक नॉब लगाया गया है यहाँ पर, ओके। तो दोस्तों इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ पर एलईडी का ऑप्शन भी है, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस एंड माइनस, यहाँ पर एलईडी, शायद यहाँ पर एलईडी आप लगा सकता है, लेकिन आई थिंक सो इसमें एलईडी लगा के कोई फायदा नहीं है, अगर होता तो कंपनी वाला लोग पहले से एक एलईडी लगा देता। तो दोस्तों इसका अंदर और खास कुछ है नहीं, आज का रिव्यू मेरा यही था दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूं अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही जल्दी मैं एक गिव अवे लाने वाला हूं मेरा वीडियो पर, तो प्लीज प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि विदाउट सब्सक्राइब में वीडियो बनाने का कोई मजा ही नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको नया कुछ वीडियो बनाना, कुछ नया सब्जेक्ट जानना है, कुछ नया सब्जेक्ट के बारे में
तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके लिख सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसका रिव्यू करने का, उसका बारे में डिटेल्स देने का। तो आज का वीडियो इतना तक दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।